मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब मुस्लिम कमेटी की। 10 दिसंबर को ईदगाह के मैदान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा होने वाली दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए मुस्लिम कमेटी ने भी बीड़ा उठाया है। अलीजान मंजिल में उवैस मुस्तफा के यहाँ आयोजित मुस्लिम कमेटी की बैठक में कमेटी के पदाधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर कमाल फारूकी के कार्यों को सराहा और कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक में हाजी खुर्शीद अनवर, उवैस मुस्तफा रिजवी, मंसूर अहमद एडवोकेट, इकबाल खां, डॉक्टर जफर महमूद अब्बासी, असलम सिद्दीकी एडवोकेट, अब्दुल कयूम रैनी, अली इमाम रिजवी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशकूर के साथ आशिकीन कवरेज की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक मुत्तहदा एक ऐसी तंजीम है कि जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के तमाम मसाइल को बड़े बावसूख दराए के साथ जो है आइन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखती है। जब जब हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर सरपसंदों की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में अटैक किए गए हैं, उनके हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुखालफत की है। आज जब शरीयत में मुदाखलत की बात चल रही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दखलंदाजी की जा रही है मुख्तलिफ दराए से, उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अमरोहा की सरजमीन पर पहली बार एक ऑल इंडिया इजलास दीन और दस्तूर बचाओ का इनेकाद किया गया है। इस दीन और दस्तूर बचाओ सेमिनार के दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक के इनेकाद में जनाब कमाल फारूकी साहब का एक अहम किरदार है, जिसमें हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अकलियतों के सरबराह भी शिरकत कर रहे हैं। आप लोगों से इस बात की अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस इजलास में पहुँचें और इजलास को कामयाब बनाएँ।